देखिए लोगों को पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार के स्पेशली उनको बताना पड़ रहा है हट जाओ। और ये जो है अपना 45 मिनट में ही चार्ज हो गई थी, और ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है ये। तो आपके लिए ये गाड़ी पैसा वसूल वहीं पर हो जाती है, और 5% बैटरी में ये गाड़ी चली है 17.9, और जिस ऐप से मैंने कनेक्ट करा है उसमें एरर आ गया, उसमें दिखा नहीं रहा है कुछ भी। ये आपको गाड़ी स्लो करने की जरूरत नहीं है, आपको महसूस नहीं होगा, उसमें भी जेब पे ये गाड़ी मुझे भारी नहीं पड़ी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आज, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। और वो किस बारे में, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आने वाला है। और ईवी को एडॉप्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं। आपको तो पता ही है इंडियन मार्केट के अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट हैं, और उन लिमिटेड प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को हम काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम है MG ZS EV। जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल डीजल चलाने वाला बंदा अगर ईवी को अडॉप्ट करता है तो उसे क्या महसूस होता है, और साथ के साथ जानने की कोशिश करेंगे ये प्रोडक्ट आज की तारीख में 25 लाख रुपए का है, क्या ये 25 लाख रुपए के काबिल है या फिर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के टाइम पे 25 लाख रुपए में एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल को लिया जाए या फिर ईवी के ऊपर जाया जाए। तो अगर हम बात करें इसके सेगमेंट की, ये आती है मिड साइज SUV सेगमेंट में। अगर हम इसके पेट्रोल वेरियंट की बात करें, जो अभी हाल फिलहाल में एस्टर के नाम से लॉन्च हुआ है, उसकी कीमत, उसके ऑटोमेटिक की कीमत 21 लाख ऑन रोड जाती है। कहने का मतलब है 4 लाख रुपए आप इसमें एक्स्ट्रा देंगे तो आपको लॉस होगा या फिर फायदा होगा, जानेंगे। देखो यार, एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं और ये बात सच भी है, अभी इंडिया के अंदर जो ईवी का मार्केट है और ईवी के जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो मास मार्केट के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, 20-21 लाख का बजट लेकर चलते हैं और पेट्रोल गाड़ी लेते हैं और मैक्सिमम जो है उसको सिटी के अंदर चलाते हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंसिडर कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो MG ZS EV की बात करें तो 25 लाख के बजट में सबसे फास्टेस्ट ईवी और सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी वाली ईवी, और ये कैपेसिटी बढ़ने वाली है क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है बहुत जल्द, और साथ के साथ सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली है ये, और फीचर्स भी बढ़ने वाले हैं। जो एस्टर में एडास वाले फीचर्स आते हैं वो शायद इसमें आ जाएं, और साथ के साथ सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है इसकी मोटर, और साइज में भी ये सबसे बड़ी है। तो बात करते हैं इसके डिजाइन की। डिजाइन आपको काफी यूनिक लगने वाला है, बाकी मिड साइज SUV से स्टैंड आउट करती है गाड़ी, और साथ के साथ बाकी SUV के कंपैरिजन में ये काफी एरोडायनामिक है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं 25 लाख की गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, और साथ के साथ कितना स्पेस है, और ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है। तो सबसे बड़ा फीचर जो कि आप लोगों को काफी पसंद आता है, पैनारोमिक सनरूफ इस गाड़ी में आपको मिलता है। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो ड्राइवर सीट जो है वो पावर एडजस्टेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जैसे ही आप अंदर घुसेंगे आपको अच्छा लेआउट मिलता है अंदर इंटीरियर का, और अच्छा फील आता है अंदर, और साथ के साथ जो है ना ये सॉफ्ट टच काफ़ी अच्छा फील कराता है। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी जो है 18,700 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, इसमें कोई भी रैटलिंग साउंड नहीं है, और क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और चलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। टच रिस्पॉन्स है इसका काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, और ये एस्टर से बिल्कुल अलग है, लेकिन दो तीन कमियां हैं। साउंड क्वालिटी जो है 25 लाख की गाड़ियों की तरह नहीं है, थोड़ा सा डाउन है। और दूसरी चीज़ जो इसका नेविगेशन है उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, आप रोड पे चल रहे होंगे ये आपको दिखाएगा कि आपकी गाड़ी खेतों में चल रही है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। दोनों एनालॉग है, ये पावर इंडिकेटर भी और साथ के साथ जो है स्पीडोमीटर भी, और आज की तारीख में ये डिजिटल होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी लोगों को डिजिटल पसंद आता है, तो हो सकता है इसके फेसलिफ्ट में ये डिजिटल हो। और इसमें आपको मिलते हैं रेन सेंसिंग वाइपर, और यहाँ पर देखिए आप ऑटो डिविंग IRVM नहीं मिलते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इसमें मिसिंग है, जैसे यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग, और पीछे जो है AC के वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि वॉइस कमांड के जरिए आप इसमें बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, जैसे कि सनरूफ खुलवाना, विंडो अप डाउन करवाना,
म्यूजिक चेंज करना वगैरह वगैरह। तो मैं फील गुड फैक्टर की बात कर रहा था, तो ये जो लेदर सीटें हैं और लेदर का ट्रीटमेंट जो यहाँ पर दे रखा है ना, वो काफ़ी अच्छा फील भी कराता है। अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। 6 एयरबैग इसमें आपको मिलते हैं, TCS मिलता है, ESC मिलता है, और जो इसमें सीट बेल्ट्स हैं पूरी सीटों में 3 पॉइंट वाली हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको इस गाड़ी में यहाँ पर मिल जाएंगे, और हीटेड ORVM इसमें मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पर। रियर डिस्क आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। सेफ्टी के मामले में सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो अब इसका स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसकी जो सीटें हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है, थोड़ा सा और आगे कर सकता हूँ मैं। ये जो है मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। मेरी जो हाइट है वो है 6'4", आपको पता। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पीछे की सीट में। लेग रूम 1 इंच के आसपास मुझे मिल रहा है, और हेडरूम भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक है सनरूफ से, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे बाल है वो टकरा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आगे अपने लेग रूम को कुर्बान करते हुए अपना हेडरूम जो है बचाना पड़ेगा। तो हाइट मेरे से कम है आपकी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन कहाँ पर होगी, क्योंकि थोड़ा सा थाई सपोर्ट इसमें कम मिलता है, और ये जो सीटें हैं वो थोड़ा सा नीचे हैं। आप यहाँ पर नोटिस करना कि मेरे जो घुटने हैं वो हवा में है, यानी कि ऊपर की तरफ है इस टाइप से। तो सीटों की हाइट थोड़ा सा ऊपर होती तो अच्छा स्पेस होता, लेकिन गाड़ी उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो कम हाइट के बंदों के लिए ये कंफर्टेबल होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई भी हैंड रेस्ट नहीं मिलता है, जिससे कि तकलीफ हो सकती है लंबी जर्नी में, और देना चाहिए इस प्राइस पॉइंट में। और 3 लोगों के लिए नहीं है भाई साहब, ये 2 एडल्ट्स के लिए है, और एक छोटा बच्चा बीच में बैठ सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम्प भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो आइए दिखाते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है प्रैक्टिकलिटी, वो है बूट। बूट है 470 लीटर का, लेकिन लोडिंग लिप जो है इसकी काफ़ी ऊंची है, आप देख सकते हैं। बूट स्पेस तो अगर देखा जाए तो वाकई में अच्छा खासा मिलता है, और बाकी इलेक्ट्रिक कार्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस इस गाड़ी में मिलता है। तो बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी की। दरवाजे में आप देख सकते हैं 1 लीटर की बोतल के साथ साथ अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ के साथ यहाँ पर आपको एक डीप स्टोरेज भी मिल जाता है। तो यहाँ पर वायरलेस चार्जर तो है नहीं, आप अपने कॉइन वगैरह बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे चाबी मैंने यहाँ पर रखी है। अब बात आती है गाड़ी की परफॉर्मेंस की, चलती कैसे है वो आपको चलाकर दिखाते हैं, आइए। और सबसे अच्छी बात मेरे को पता है क्या लगी, इसकी जो सीट बेल्ट की वार्निंग है सभी सीटों के लिए है। पीछे वाली सीटों में भी आपको लोड सेंसर्स मिलते हैं, पीछे कोई बैठा है सीट बेल्ट नहीं पहनी है उन्होंने तो इसमें वार्निंग आएगी। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है आपको मोड मिलते हैं। इसमें 3 मोड आपको मिलते हैं, एक होता है आपका इकोनॉमी, और दूसरा नॉर्मल, और तीसरा जो है स्पोर्ट्स। आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो रीजनरेशन वाला जो लेवल है आप उसको बड़ा या घटा सकते हैं। 3 लेवल आपको इसमें मिलते हैं, 3 मतलब सबसे ज़्यादा रीजनरेशन इसमें होगा। और ये बैटरी का स्टेटस देखने के लिए, आपकी बैटरी कितनी बची हुई है, कितना किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी वो आपको बताता है। और यहाँ पर जो है रिवर्स और डी मोड और न्यूट्रल यहाँ पर आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको दबाने से आपके पार्किंग ब्रेक जो है अप्लाई हो जाएंगे, और डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटो मोड भी मिलता है आपको। रिवर्स कैमरा काफ़ी क्लियर है, अच्छी खासी आपको गाइडलाइन मिलती है। गाड़ी में कोई भी साउंड नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है इस गाड़ी का। अभी जो है रोड में नहीं, ये मिट्टी में है, लेकिन रोड में भी काफ़ी लाइट फील कराता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और टाइट स्पेस में, टाइट पार्किंग में, और सिटी के अंदर। रेंज की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी जो गाड़ी का बैटरी लेवल है 55% है, और अभी हमने AC ऑन नहीं कराया तो 167 किलोमीटर बता रहा है यहाँ पर। ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है MID में भी मिलेगी, और साथ के साथ जो है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी मिलेगी। जैसे ही मैं AC को ऑन करता हूँ, AC का कंप्रेसर ऑन होते ही 142 किलोमीटर मतलब कि रेंज थोड़ी सी कम हो गई है। AC को मैंने ऑफ करा तो रेंज फिर 167 किलोमीटर हो गई है। अगर मैं इस गाड़ी की लाइटें जलाता हूँ तो रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसको चलाते हैं। तो हम आ चुके हैं घुमावदार सड़कों में, थोड़ी बहुत चढ़ाई है, और साथ के साथ आगे ब्रेकर आने वाले हैं जिसमें राइड क्वालिटी हम इसकी देखेंगे,
जैसे कि आपको मैंने बताया था कि काफ़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन है, ये गड्ढे इतने ज़्यादा महसूस नहीं होते, बहुत प्यारे सस्पेंशन है अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो फिलहाल मैं अभी चल रहा हूँ इकोनॉमी मोड में। इकोनॉमी मोड की अगर बात करें, पावर इस गाड़ी के हिसाब से कम मिलती है, लेकिन अगर मैं रिफरेंस के तौर पर लेकर चलूँ बाकी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से, उनसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है इवन इन इकोनॉमी मोड। देखिए आप, मतलब एकदम से एक्सेलरेट करती है गाड़ी। अब जैसे ये शार्प टर्न है तो इस गाड़ी में बॉडी रोल बहुत कम है। मैं तो ये सोच रहा था कि इसके सस्पेंशन सॉफ्ट हैं तो उसकी वजह से जो है गाड़ी में बॉडी रोल होगा। बॉडी रोल कम होने का रीज़न ये भी है, इसकी हाइट काफ़ी कम है। अब इकोनॉमी मोड में जब इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का, तो आप सोच सकते हैं स्पोर्ट्स मोड में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये गाड़ी। और साथ के साथ अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी मिलती है। और स्टीयरिंग की मैं बात करूं, तेज स्पीड में स्टीयरिंग में उतना ज़्यादा लोड नहीं आता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लोड आता है, ऐसा नहीं है कि ये आपको डराएगी, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं इसको अब नॉर्मल मोड में डालता हूँ। नॉर्मल मोड मैंने डाल दिया। नॉर्मल मोड में तो यार आपके चेहरे में अच्छी खासी स्माइल आ जाएगी और एकदम से जो है ये पिक करती है। और अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी इस गाड़ी की, ये झटका नहीं मारती है, ये उठती है तो तरीके से उठती है और अच्छा खासा पुशबैक भी देती है। अगर मैं टर्बो से रिफरेंस लूँ ना, टर्बो वाली फील एक अच्छी खासी गाड़ी का जो टर्बो का पुशबैक आपको मिलता है, उससे कई ज़्यादा गुना जो है आपको इसमें मिलेगा। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मैं पहले इकोनॉमी मोड में इसको डालता हूँ तो यहाँ पर रेंज देखिए 145 किलोमीटर ये दिखा रहा है आपको 53% में। अब मैंने जो है नॉर्मल मोड डाल दिया है तो 138 किलोमीटर हो गई। अब मैं स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ तो 124 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर आपको ये बता रहा है। एसी की इफ़ेक्टिवनेस अभी इसकी जज नहीं कर सकते क्योंकि सर्दियों का मौसम यहाँ पर चल रहा है, तो फिर भी अगर कूलिंग की बात करें, कूलिंग अच्छी खासी इसमें मिल रही है। स्पोर्ट्स मोड में एक बार ट्राई करके देखता हूँ, यहाँ पर एक बार आप आगे देखना। स्पोर्ट्स मोड में तो भाई साहब ही एकदम पागल सी हो जाती है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है। अगर 25 लाख के हिसाब से परफॉर्मेंस देखी जाए इस गाड़ी की, तो 25 लाख की गाड़ियां जो आती हैं मार्केट में उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हैं तो आपके लिए ये गाड़ी पैसा वसूल वहीं पर हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी रफ सरफेस है और आपने एकदम से जो पैडल है पूरा दबा दिया, तो इसके व्हील स्पिन होना काफ़ी आम बात है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की वार्निंग लाइट यहाँ पर जो है शो करता है। मैं अगर सही बात बताऊँ ना आपको, तो इकोनॉमी मोड इनफ है इसका चलाने के लिए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कभी ओवरटेक भी करना है ना आपको हाईवे में, तो इकोनॉमी मोड सफिशिएंट है। मैं फिर से दोहराऊँगा, इकोनॉमी मोड सफिशिएंट है। तो आगे एक छोटा सा पैच है गड्ढे का, वहाँ पर गाड़ी का बिहेवियर देखेंगे कि कैसा महसूस कराती है और गड्ढों की आवाज़ें जो है गाड़ी के केबिन के अंदर कैसे आती है, थोड़ा सा तेज़ निकालेंगे। वाह, इतना कुछ नहीं इफेक्ट ना मैंने किसी और गाड़ी में देखा नहीं सही में, और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आ रही अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील कराया इसने और ऐसा महसूस हो रहा है कि पैसे सही जगह पर लगे हैं, मैं सही बात बता रहा हूँ। और देखिए ये थोड़े बहुत पैचेस हैं इस रोड में, तो वहाँ पर ये उतना ज़्यादा जो है ना मतलब परेशान नहीं करती है। आपको गाड़ी स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको महसूस नहीं होगा, वैसे करनी चाहिए लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, इतनी अच्छी जो है राइड क्वालिटी इस गाड़ी में आपको मिलती है। इसमें आप ना तुरंत तुरंत जो है ना फॉरवर्ड रिवर्स लगा सकते हैं, यूँ देखिए जल्द से जल्द आपको जो है गियर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप जितना मैनुअल में जितनी जल्दी नहीं कर सकते ना, उतना इसमें कर सकते हैं। फन टू ड्राइव है यार ये गाड़ी, सच में इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसी खुशी आपको ना पेट्रोल डीजल गाड़ी में नहीं मिलने वाली, कहीं से भी उठा लो कैसे भी उठा लो इस गाड़ी को। ब्रेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त, और एक चीज़ बताऊँ, जो रीजनरेशन होता है इस गाड़ी पे उसमें क्या है, ब्रेक पैड कम घिसते हैं और ये फैक्ट है। मैं उस गड्ढों में और ले जाऊँगा तेज स्पीड में। वाह यार काफ़ी अच्छा फील, बहुत प्यारा फील। बॉडी रोल भी नहीं गाड़ी में, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में कसम से। अब इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल लेते हैं, ये नॉर्मल लग गया, ये स्पोर्ट्स अभी तक इको में थी। और एक कब 100 में पहुंच जाती है पता भी नहीं चलता है, और कंपनी क्लेम करती है 8.5 सेकंड है इसकी 0 to 100, और वाकई में इतनी फास्ट ये है। आपकी सोच से पहले
यह स्पीड गेन कर लेती है जो कि डीजल पेट्रोल गाड़ी में आपको कभी भी एहसास नहीं होगा और वो मजे कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन पावर है इस गाड़ी में तो साथ के साथ आपको रिस्पॉन्सिबल होना भी काफी जरूरी है। तो अभी मैं चला रहा हूँ इकोनॉमी मोड में। इकोनॉमी मोड में मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि इसकी जो है ना तेज स्पीड में स्टेयरिंग में उतना ज्यादा वेट नहीं आता है, इतना ज्यादा वेट नहीं आया, लेकिन थोड़ी सी चीज में महसूस करी मैंने स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड में सेम थ्रॉटल में ये तो खींचती हुई ले गई, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा वेट आ रहा है यार, और ये नोटिसेबल है अच्छा खासा। और अभी टाइल वाली रोड में भी इसमें आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, केबिन के अंदर जो धर्राने की आवाज आती है ना वो बिल्कुल नहीं है। हो गया, देखिए लोगों को पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार के स्पेशली उनको बताना पड़ रहा है हट जाओ। इसकी राइड क्वालिटी मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई, कसम से मैं इसका फैन हो गया इसकी राइड क्वालिटी का। तो बात कर लेते हैं रीजनरेशन की, स्टेप टू में चल रहा है, तीन में कर लेता हूँ। तो तीन में ही कभी कभार ऐसा फील कराती है कि हल्का सा ब्रेक पेडल में पैर रखा हुआ है। होता क्या है कि ना मैंने ये भी देखा है कि मान लीजिए तुरंत अभी 1% गिरी बैटरी की, तो उसके बाद जो है रीजनरेशन करा तो वो बैटरी की परसेंटेज दोबारा 1% ऊपर हो जाती है, ऐसा मैंने लाइव देखा भी है इसमें। तो अभी गाड़ी जो है स्पोर्ट्स मोड में है, एसी मैंने ऑफ कर रखा है, इसका 0 to 100 चेक करके देखते हैं कितनी जल्दी ये स्पीड पकड़ती है। टायर जो है स्लिप मारे, ट्रैक्शन कंट्रोल ने काम करा और गाड़ी जो है 100 में पहुंच गई इतनी जल्दी। तो ये होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का फायदा, आपको जो है एक अच्छी खासी पावर मिल जाती है शुरुआत से, जिससे कि आपका जो है 0 to 100 काफी कम हो जाता है टाइम उसका। तो इसकी पावर का कोई मैच नहीं कर सकती कोई गाड़ी, सीधी सी बात ही है, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए आपको इस रेंज में और साथ के साथ कम खर्चे में चलने वाली गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। 100 की स्पीड में मैं लेन चेंज कर रहा हूँ तो जो है अच्छी खासी स्टेबल है ये गाड़ी, और 100-120 में आके ना फ्लैट हो जाती है ये, क्योंकि टॉर्क इसका शुरुआत से मिलता है और स्पीड के दौरान ना आपको उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा जब ये 100-120 में चल रही होगी, जैसा कि आप डीजल पेट्रोल में महसूस करते हैं, डीजल में स्पेशली टर्बो में कि 100-120 में भी आपको खींच के ले जाता है, तो इसमें ये महसूस नहीं होगा। ये शुरुआत में आपको बहुत तगड़ा महसूस होगा, 100-120 के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैट हो गई है, हालांकि स्पीड फिर भी गेन करती है गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी का ये बिहेवियर है एक्चुअल में। देखो मैं इसको अभी जो है ना सिटी ट्रैफिक में चला रहा हूँ, आगे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, इसको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। IRVM देख लो आप, ORVM देख लो, अच्छा खासा विजिबल है। जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ होती है ना सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ होती है, वो कैसे लैग होता है। अब मान लो टर्बोचार्ज इंजन, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपने टर्बोचार्ज ले ली गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, तो वो लैग होता है उसमें थोड़ा सा, लेकिन इसमें जीरो लैग है, बड़े ही प्यार से उठती है। आपको पता ही है कि ये जीरो से अच्छा खासा जो है टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, बहुत ही स्मूथ चलती है। और इस गाड़ी का तो स्टेयरिंग भी काफ़ी लाइट है और ये इतनी ज़्यादा बल्की नहीं है कि आपको जो है मैन्यूवर करने में तकलीफ हो। और एक और चीज़, सिटी में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, और सिटी में इसका कंजप्शन भी कम होता है, जहाँ पर अगर पेट्रोल डीजल को देख लें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल का कंजप्शन जो है सिटी के अंदर ही होता है, तो पूरा सीन उल्टा है यहाँ पर, ये अच्छी बात लगी मुझे। तो हम टेस्ट कर लेते हैं, हमने जो है करंट जर्नी को इसकी जीरो कर दिया है, हम इसको टेस्ट करेंगे इकोनॉमी मोड में, क्योंकि पावर की उतनी खास जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी चलाइए, हाईवे पे या फिर सिटी में, आपके लिए इकोनॉमी मोड सफिशिएंट है। और एसी ऑन के साथ चलेंगे, अभी 44% है, हो सकता है कि ये अभी तुरंत गिर जाए क्योंकि ये 44 काफ़ी देर से मेंटेन है, ये ओवरऑल देखेंगे 44 गिरने के बाद हम हो सकता है कि फिर इसको रिसेट करें। 70-80 की स्पीड को हम इसमें मेंटेन करेंगे, फिर देखते हैं गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती इसको स्लो चलाऊंगा, ज़बरदस्ती तेज चलाऊंगा, एक नॉर्मल वे में चलाने की कोशिश करता हूं। और मैं सबसे अच्छी चीज़ क्या कर लेता हूं कि जगह जगह पे क्रूज कंट्रोल की हेल्प लूंगा मैं, और 43% हुआ है तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूं फिर से, क्योंकि जो है 43% अभी हुआ है, तो अब एक्चुअल में यहाँ पर जो है देखेंगे। और फेयर रिजल्ट के लिए मैं इसको एक बार रोक के दोबारा चलाता हूँ, क्योंकि मैंने रोक के रीसेट कराया है, ऐसा इसको एहसास हो, ऐसा आप लोगों को एहसास हो। 43% विद एसी और इकोनॉमी मोड, तो 42% हो गई है, तो 1.8 किलोमीटर चली है ये, 5% का एवरेज निकाल के देख लेते हैं। 38% हो चुकी है बैटरी, यानी कि 5% कंजप्शन हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.5 किलोमीटर चली है
यानी कि एक परसेंटेज में 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर एसी के साथ अब हम ये टेस्ट करना चाहेंगे विदाउट एसी इकोनॉमी मोड में। तो अब हम इसको दोबारा से रीसेट कर देते हैं। तो रीसेट करने के बाद अब इसको चलाते हैं विदाउट एसी इकोनॉमी मोड में। तो अभी हम क्या करेंगे, इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड जो है 65-70 रखेंगे, जिसमें पेट्रोल और डीजल गाड़ियां भी अच्छा खासा एवरेज देती है, और लाइट फुट रखने की कोशिश करेंगे। तो इस बार मैं अपने पैरों पे भरोसा रखूंगा, क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लास्ट टाइम 95% हमने क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करा था, इस बार 100% मैं अपने पैरों से जो है स्पीड को मेंटेन करूंगा। तो सेम ट्रैक था, 65-70 की स्पीड जो है मैंने मेंटेन करी थी इकोनॉमी मोड में विदाउट एसी, और 5% बैटरी में ये गाड़ी चली है 17.9 किलोमीटर। और ईवी चलाने वाला बंदा अगर चलाएगा मेरे अलावा तो वो इससे अच्छा भी एवरेज निकाल के दे सकता है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ईवी वाले बंदे से ये गाड़ी को चलाकर दिखाया जाए। आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जिस दिन से मैं इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ओवर द टाइम मुझे ब्रेक की आदत बहुत कम हो चुकी है, इसलिए मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। इसका जो एवरेज है मेरा अच्छा निकलते जा रहा है। तो अभी रात हो चुकी है और रात में हम चल रहे हैं, और अभी जो इसमें बैटरी बची हुई है मात्र 11% बची हुई है, जिसमें 36 किलोमीटर की रेंज बता रहा है, और हम इकोनॉमी मोड में चल रहे हैं और लाइटें ऑन है। तो अभी इसको ले जाते हैं चार्ज पे, और ये भी देखेंगे कि यार 80% होने तक ये कितना टाइम लेती है, और साथ के साथ 100% करेंगे तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, 2 मिनट में 11% से 15% हो गया है, और जिस ऐप से मैंने कनेक्ट करा है उसमें एरर आ गया, उसमें दिखा नहीं रहा है कुछ भी। चलो देखते हैं, चार्जिंग से मतलब है, चार्जिंग हो जाए, एरर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी गाड़ी चार्ज होनी चाहिए बस। तो अभी जो है 80% हो चुकी है मात्र 37 मिनट में, इसमें अगर 11% माइनस कर देंगे तो 69 आएगा, और लगभग 37 मिनट का आपका एक ब्रेक होता है चाय कॉफ़ी का, तो उतने में आपको जो है इतनी चार्ज मिलेगी आपकी गाड़ी, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और ये जो चार्जर है 50 किलोवाट का है फास्ट चार्जर। तो 37 मिनट में 80% हो गई थी और 46 मिनट में 100% दिखा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 80% के बाद जो है काफ़ी टाइम लगता है 100 होने में। लास्ट टाइम हमने जब चार्ज किया था तो ये चीज़ हमने देखी थी, सेम चार्जर था, पता नहीं अभी क्या हुआ। तो शायद चार्ज हो चुकी है, यहाँ पर आ रहा है कि कनेक्टेड बट नॉट चार्जिंग, 100% यहाँ पर शो कर रहा है, 310 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर दिखा रहा है, और ये जो है अपना 45 मिनट में ही चार्ज हो गई थी, और ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है ये, बट अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो रात में रेंज टेस्ट करते हुए हमने सोचा कि हेडलाइट के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये है इसकी लो बीम, जो कि इस साइड से बिल्कुल यहीं तक जाती है, और कुछ खास विजिबिलिटी नहीं है, अजीब सी है ये टेढ़ी सी। अगर मैं हाई बीम करता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ खास विजिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा दूर तक की नहीं है, ये देखिए आप। तो लाइटों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस गाड़ी के अंदर। तो 90% हो चुकी है यहाँ पर बैटरी, और 90% में जो कंडीशंस थी हमारी इको मोड में लाइट्स के साथ, और गाड़ी चली है 16.6, मैक्सिमम जो स्पीड रखी है हमने 65 और 70 के आसपास रखी है। तो दिन में जब हमने चलाई थी तो 17.9 किलोमीटर आया था, और रात में जब चलाई है 16.6 किलोमीटर आया है, और कितना ये एग्जैक्ट है ये नहीं पता, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग गया कि रात में थोड़ा सा कंजप्शन जो है गाड़ी का ज़्यादा रहता है बैटरी का। तो ये तो थी गाड़ी की बातें, इसमें कई चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जैसे रेंज काफ़ी हेल्दी है इस गाड़ी की, और जो MID है ना काफ़ी एक्यूरेट है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी कैलकुलेशन जिसे आप कहते हैं, रेंज इतनी बची हुई है तो इतनी ही गाड़ी चलेगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्यूरेट है, और कोई भी एरर मुझे इसमें फेस नहीं करना पड़ा अभी तक, जैसे कि कुछ भी एरर हो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या फिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, कुछ भी एरर मैंने फेस नहीं करा, और काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है ये गाड़ी। तो अब करते हैं उस बात को जो सबसे ज़्यादा आप लोग जानने के इच्छुक हैं, वो है रनिंग कॉस्ट। मैंने 2 बार इसको चार्ज करा है, और दोनों बार फास्ट चार्जर में इसको मैंने चार्ज किया, घर पे चार्ज बिल्कुल भी नहीं करा, और कैलकुलेशन के हिसाब से पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आ रही है 2 रुपया 40 पैसा, और घर में मैंने इसे चार्ज किया होता
तो एक रुपये से भी कम के आसपास जो है रनिंग कॉस्ट आती है इसकी, और वो लगभग होती 75 पैसे के आसपास। तो अब बात करते हैं इसकी रेंज की। 100% से 0% चेक करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने 93% से 11% तक जो है इसको देखा था, उसमें लगभग ये 240 किलोमीटर के आसपास चली थी, और लगभग 11% में 36 किलोमीटर के आसपास जो है दिखा रहा था। कहने का मतलब है एक चार्ज में आसानी से 300-350 किलोमीटर जो है बड़े प्यार से चल जाती है। और ये जो रेंज मुझे मिली थी वो मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में मिली थी, मैंने रात में भी इसको चलाया था और साथ के साथ जो है एसी के साथ भी चलाया था, स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया था, मतलब अच्छी खासी रेंज है इस गाड़ी में। तो अभी आप डीजल पेट्रोल गाड़ी से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होना चाहते हैं तो बड़े प्यार से हो सकते हैं, कोई भी खास बड़े कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बस इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपको रूट प्लान करना पड़ेगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपने कहाँ पर चाय पीनी है, कहाँ पर खाना खाना है। और ईवी के चार्जर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लंबा रूट भी आप आसानी से प्लान कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और बहुत जल्द हम लंबा रूट प्लान करने वाले हैं ईवी के साथ, उस वीडियो का आप इंतज़ार करना। और आपको पता ही है अगर हम पर्टिकुलर इस गाड़ी की बात करें तो इसकी रेंज अभी और बढ़ने वाली है, अभी अपडेट आने वाला है, उसके बाद और भी टेंशन थोड़ा कम हो जाएगी। वैसे भी अभी के टाइम पे 2021 मॉडल में अच्छी खासी हेल्दी रेंज इसमें मिलती है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, इस गाड़ी को 5 से 6 दिन मैंने इसको चलाया और डीजल पेट्रोल गाड़ी की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने इसे घर पर चार्ज भी नहीं करा, मैंने इसको फास्ट चार्जर में चार्ज करा, उसमें भी जेब पर ये गाड़ी मुझे भारी नहीं पड़ी। परफॉर्मेंस की बात तो आप पूछो ही मत, कितने मजे आते हैं आपको मैंने बता ही दिया है। और 25 लाख में डीजल पेट्रोल गाड़ी से काफी वर्थ लगी यार मुझे ये गाड़ी। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, यहां तक आपने देखा तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि